स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्टूटी में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे सोलर फार्म का दाम के बारे में, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो आप तभी देखिए जब आपके पास ज़मीन है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। आपके पास ज़मीन है तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका ज़मीन में शैडो नहीं होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन है आपका, लेकिन वो पहाड़ के दूसरे तरफ पड़ रहा है और मतलब गर्मी में चूंकि सूरज काफ़ी ऊपर रहता है, मतलब लगभग 90 डिग्री पर रहता है, तो गर्मी में आपको फ़र्क नहीं, लेकिन ठंडा में पता चलता है कि भैया जून जुलाई के आसपास आपका सिर्फ परछाई से ढक जाता है। तो ये बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्या आपका वो ज़मीन शैडो फ्री है, मतलब उस पर कोई परछाई नहीं आती है। ऐसा भी हो सकता है कि दूर में कोई ऊंचा बिल्डिंग है लेकिन वो शैडो कास्ट कर रहा है, तो इसीलिए पहले वो देखिए कि ज़मीन आपका सही से फ्लैट जगह है, बिंदास है, बिना छांव के। तब फिर ये ज़मीन फ्लैट होना ज़रूरी है। मान लीजिए खूब उबड़ खाबड़ है तो दिक्कत होगा, या तो आप उसको फ्लैट करवाइए, या अगर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है पत्थर का है तो वहाँ पर करना कोई फ़ायदेमंद वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है कि सोलर फार्म एक दूसरे मतलब समझ रहे हैं ज़मीन के साथ कर्व कर जाए, लेकिन उसमें लॉस होने लगता है, दाम भी बढ़ जाता है। फिर बात आता है लोकेशन का कि ठीक है आपके पास ज़मीन है लेकिन वो कहाँ है। तो भारत में जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप राजस्थान के पास हैं तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। तो एक एग्जांपल देने के लिए सोलर फ्लक्स को अगर नापा जाए तो आपको लगभग मिलता है 6.6 किलोवाट प्रति घंटा पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है आपको राजस्थान जैसे, लेकिन आप कहीं दूसरे एरिया में आ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के आसपास आ जा रहे हैं, तो आपका वो घट सकता है 4.4 तक। मतलब आप कुछ नहीं बदल रहे हो, आपका वही सोलर पैनल, वही इन्वर्टर, वही सब चीज़ है, लेकिन आपका पावर में अंतर आ जा रहा है क्योंकि आप कहाँ पर हो। तो इसीलिए लोकेशन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। मतलब इस तरह के बहुत सारे मैप आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा खुजी का को पता मिल जाएगा रफ़ आइडिया क्या है। अब प्लस ये भी फ़र्क पड़ता है कि बारिश कितना हो रहा है, या मान लीजिए रेगिस्तान आपको मिल भी गया लेकिन यहाँ इतना धूल गर्दा उड़ता रहता है कि वो कोई खास काम का नहीं है। तो इसीलिए लोकेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं आपको वो हमेशा कहूँगा कि सर्वे कराने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि सर्वे करने वाला देख के ये सब चीज़ बता देगा आपको कि देखिए सर ये तिकड़म है, ये हो सकता है। तो फिर अब दाम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ही बार मैं दाम के बारे में बताऊंगा और इसको आप थोड़ा रफ आइडिया लेके समझिए कि एक हेक्टेयर है, अगर 100 मीटर बाय 100 मीटर है आपके पास, तो उससे आप 1 मेगावाट का ऊर्जा निकाल सकते हैं और उसका लगभग दाम, रफ दाम, 5 करोड़ रुपया तक लगता है। हाँ, ये बहुत महंगा चीज़ है, बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। लगभग 40 to 50 रुपीज़ पर वाट का बिल आता है बड़े बड़े फार्म में। छोटे फार्म में तो और ज़्यादा हो जाता है, 60 तक पहुंच जाता है, बड़े फार्म में कम पड़ता है। तो ये एक रफ आइडिया दाम के बारे में आप समझिए कि इसी के आसपास आपको दाम देगा, इसी के आसपास आपको पावर आउटपुट मिलेगा। हाँ, 10% प्लस माइनस होगा। कुछ लोग आपको शायद कुछ बहुत लंबा वारंटी दे देते हैं तो उसके लिए दाम बढ़ा देंगे, कुछ लोग आपको बहुत सस्ता पार्ट दे देंगे तो दाम तो बहुत बच जाएगा लेकिन आपका ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। तो इसीलिए ये आप समझिए, एवरेज मान के चलिए कि आपका एक हेक्टेयर में 1 मेगावाट मिलेगा और उससे 5 करोड़ रुपये आपको लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब फ्रेम के बारे में बात करते हैं। आपने ज़मीन देख लिया, अब उसके बाद सबसे पहले उस पर फ्रेम लगाया जाता है। फ्रेम पे आप ये समझिए कि आपको लगता होगा कि बस ऐसे लगाते रहे, लेकिन बात है चूंकि विंड सरफेस एकदम सरफेस पे एक्ट करता है और चूंकि सोलर पैनल एक बड़ा फ्लैट चपटा जैसा एरिया रहता है, उस पर विंड का बहुत असर हो जाता है। ये मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने एक सोलर फार्म को पर्सनली देखा तब समझ में आया कि ये सब फार्म को बनाया जाता है कि टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई ढंग का इंजीनियर वो सीमेंट डाल के देखेगा कि क्या उतना ग्रिप है कि विंड को हैंडल कर सके, क्योंकि आप मान लीजिए रेगिस्तान में वहाँ बहुत तेज़ हवा चलता है तो ये सब उखाड़ सकता है विंड। तो इसीलिए विंड टेस्टेड होना ज़रूरी है। आपको जो भी ढंग का सर्वेयर है वो चेक करके बता देगा। फिर आपके पास ये सवाल आएगा कि आपको एडजस्टेबल चाहिए कि फिक्स चाहिए। फिक्स सस्ता होता है तो सब लोग जनरली फिक्स ही करते हैं, लेकिन एडजस्टेबल में ऑप्शंस आते हैं आपके पास। तो पहला ऑप्शन है कि आपके पास डुअल एक्सेस ट्रैकिंग सिस्टम, तो मतलब आपका पूरा पैनल हर टाइम सूरज सुबह से लेकर रात तक अच्छे से सन को फोकस करेगा। बेनिफिट ये होता है कि जनरली मान लीजिए फिक्स्ड वाला आपको लगभग पीक पावर आपको 4 घंटे देगा, ये सब आपको पीक पावर 6 घंटे तक देता है, तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। मतलब एनर्जी आउटपुट में लगभग 30% का ज़्यादा आउटपुट होने लगता है, लेकिन चूंकि ज़्यादा सामान लग रहा है, मशीन लग रहा है, मोटर लग रहा है, खराब होने का चांसेस ज़्यादा है, तो जनरली लोग इससे दूर रहते हैं। तो आपके पास इसका एक मिडिल ग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड इस तरह का होगा जिसमें आपका फार्म है लेकिन वो एक एक्सिस पे अप डाउन कर सकता है। वो क्या किस एक्सिस पे होगा, जनरली क्या कहते हैं ना हम लोग, सुबह से रात तक को सन को नहीं फॉलो करते, तो बहुत तेज़ सूरज इधर से उधर भागता है तो उसको हर घंटे मोड़ते मोड़ते बहुत एनर्जी लगेगा। लेकिन एक दूसरा स्टेप होता है जिसमें सूरज जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, मतलब आपका गर्मी में ऐसे सूरज चल रहा है, ठंडे में ऐसे चल रहा है, मतलब
बहुत शैलो हो जाता है, मतलब इक्वेटर के मतलब हराइजन की तरफ डूबने लगता है। तो उस कारण से ये लोग इस तरह करते हैं कि ठीक है भैया एक एक्सिस पे एक नट लगा देते हैं और उसमें कोई मोटर वोटर भी नहीं डालते, कहीं कहीं बार होता है कि आप गर्मी में जाकर रेंच से उसको बस मोड़ते रहिए हर दिन, मतलब सुबह जाकर बस रेंच से एक मोड़ देना है, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे मतलब गर्मी में पूरा ऊपर हो जाएगा, ठंडा में धीरे धीरे नीचे हो जाएगा, तो उससे आपका गर्मी से ठंडे के बीच में एनर्जी लॉस कम हो जाता है। और ये मैं आप बात को हमेशा कहूँगा कि कंटिन्यूस रखिए, मतलब ये आपका जितना जो पैनल है पैनल के बीच में ज़्यादा गैप मत दीजिए, उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है, इसलिए जनरली लोग एक कंटिन्यूस बनाइए। और अगर मान लीजिए आपकी जगह इस जगह पे है जहाँ बारिश बहुत कम होता है या पानी को मेंटेन कर सकते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है ये सब कंटिन्यूस कर दीजिए और ट्रेंच खोद दीजिए उसके नीचे, ताकि उस ट्रेंच से आना जाना हो सके, इन्वर्टर सब उसमें रखिए, अगर पानी नहीं बरसता, पानी बरसता तो ट्रेंच में ही पानी जमा हो जाएगा तो फजीहत हो जाएगा। तो ये फ्रेम है, फ्रेम को और सस्ता मत लीजिए, क्योंकि फ्रेम ही ऐसा चीज़ है जो 50 से 100 साल तक चल सकता है, तो फ्रेम पे पैसा बचाना अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे, जो इससे आपको मेन पैसा आ रहा है, सोलर पैनल के बारे में। सबसे पहला लाइन, यहाँ पे सस्ता चीज़ मत खरीदिए, यहाँ पे पैसा अच्छे से खर्च कीजिए, क्योंकि यही आपका मेन क्वालिटी देता है और इसी से आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आता है। क्योंकि जनरली समझिए, सोलर फार्म कोई बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं, आप आज लगा दिए और कल पैसा वापस आ जाएगा, जनरली 5 से 10 से 12 साल तक लग सकता है आपका पैसा वापस आने में, और ये मैं सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो समझ लीजिए कि ये लंबा गेम है। तो क्वालिटी पर अगर आप चिप आउट कर लिए 10 साल तक, तो आपका सब चीज़ बहुत बढ़िया चला, आपका पैसा वापस आ गया, लेकिन अब प्रॉफिट के टाइम में इन्वर्टर बोल गया, सोलर पैनल सबका पावर आउटपुट कम हो गया, बहुत सारा सोलर पैनल शॉर्ट कर गया, तो इसीलिए यहाँ पे पैसा बचाना सुसाइडल है, बेवकूफ़ी है, यहाँ पे आप कभी भी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। फिर आपको बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे पास सर ये पैनल साइज़ है, ये पैनल साइज़ है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जो सबसे बड़ा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि अगर आपका पैनल बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए एक पैनल आपको मिल रहा है 200 वाट का, एक मिल रहा है 350 वाट का, जनरली इसी के आसपास मिल रहा है, कोशिश कीजिए जो सबसे बड़ा उठा सकते हैं उठाइए, क्योंकि आपका जितना बड़ा पैनल होगा उतना कम तार लगेगा, मतलब एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में, मतलब यहाँ पे दो लग रहा है, आपको तीन अगर पैनल लग जाता उसी जगह पे, तो आपका एक तो जगह बर्बाद हो रहा है क्योंकि बीच में फ्रेम उतना जगह खा रहा है, प्लस आपको वायरिंग ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसके चलते जगह भी बर्बाद हो रहा है और आपका दाम दाएं बाएं से बढ़ रहा है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा नट चाहिए, आपको कुछ ज़्यादा ये चाहिए, असेंबली चाहिए, वजन भी बढ़ रहा है, तो मतलब इसीलिए बड़े से बड़ा पैनल के पीछे भागिए, 250 वाट से नीचे तो बात भी मत स्टार्ट कीजिए, कोशिश ये कि 300 तक चले जाइए, और उससे भी बड़ा मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन छोटा मत लीजिए, बड़ा से बड़ा लेने पर आपका फ़ायदा, उस पर कम नट वोल्ट लगता है, कम वायरिंग होती है, और अगर फजीहत भी हो तो आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, कि ठीक है एक पैनल हटाए लगा दिए काम ख़त्म, तो बड़े पैनल में आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको कुछ भी खरीदने से पहले मैं यहाँ कहूँगा कि रीड द फाइन प्रिंट, मतलब जो उसमें छोटा छोटा करके लिखा रहता है उसको पढ़िए। ये बात आप समझिए कि दुनिया में बहुत सारे कंपनी सोलर पैनल बेचती है, लेकिन बहुत कम कंपनी गिन सकते हैं हाथ में जो सोलर सेल बनाती है, यानी कि जो जो चीज़ आप देख रही हैं नीला कलर का चीज़, ये कुछ ही कंपनी बनाती है, और बहुत कंपनी खरीदती है इसको, ट्रक द ट्रक, कंटेनरशिप द कंटेनरशिप, और फिर इससे पैनल बना के आपको बेचती है। तो प्लीज़ खरीदने से पहले आप कोशिश कीजिए कि किसने वो सेल बनाया, पैनल नहीं, पैनल कोई भी बना सकता है, पैनल आपके घर में भी आप बना सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन सेल किसने बनाया, ठीक है, तो पहले सेल को खोजिए कि किस कंपनी का है, अच्छे ब्रांडेड वाले आपको एकदम सीधा सर, हाँ सर मेरा सेल यहाँ से आता है, ताइवान से आता है, या इराक से आता है, या चाइना से आता है, जो भी है मेरा सेल यहाँ से आता है, फिर वो सेल को आप खोजिए कि किस कंपनी ने बनाया और उसका डिटेल निकालिए, आपको इस तरह का डिटेल मिलेगा। तो ये सब डिटेल ज़रूरी इसलिए है कि इसमें बहुत सारा हिडन चीज़ लिखा रहता है, जैसे कि कई बार आप सुनते होंगे कि मोनोक्रिस्टलिन है कि पॉलीक्रिस्टलिन है, तो दोनों के बीच में आप पैनल बाय पैनल लीजिए, क्योंकि जनरली पॉली अच्छा रहता है, लेकिन मान लीजिए एक पॉली मतलब जो ब्लू कलर का होता है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का समझ लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो एक सस्ते कंपनी से आपने उठा लिया वर्सेस एक पॉलीक्रिस्टलिन जो कि आपने एक महंगे कंपनी से उठाया, तो दोनों बराबर हो जाता है। इसीलिए डिटेल से, ध्यान से, टाइम लेके बैठ के पढ़िए। और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहला तो आप ये देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंसी, क्योंकि जो भी पैनल की रेटिंग रहती है, जैसे आप बोल दिए कि 1 मेगावाट का मैंने पैनल खरीदा, 1 मेगावाट तो आपको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 मेगावाट देखो वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है, तो इसीलिए समझिए कि आप धूप में कुछ भी रख देते, ठंडा हो, जब तक एकदम शीतलहरी नहीं चल रही तो बात अलग है, लेकिन जनरली इतना गर्म हो जाता है पैनल कि पैनल बहुत कम बिजली देता है, तो इस कारण से वो टेम्परेचर से कितना लॉस हो रहा है, ये पढ़ने के लिए आपको वो सबका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। तो सेल किसने बनाया उससे पूछिए, और ये सब डिटेल अगर आपको आसानी से मिल जा रहा है, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे आपको जो डिटेल मिल रहा है, लेकिन अगर आसानी से मिल जाए नहीं, कंपनी सही है, सही कंपनी आपको तुरंत खोजने पे दे देगी, हाँ मेरा सर ये टेम्परेचर है कि 30 डिग्री पे मेरा 10% लॉस होता है, 60 डिग्री पे मेरा 70% लॉस होता है, जो भी है, प्लस इसका वारंटी पे भी ध्यान दीजिए, कि जैसे अगर मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी का आप मोनोक्रिस्टलिन यानी कि काला कलर का जो सोलर पैनल आता है, जो इस तरह का चौकट चौकट नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा कॉर्नर कटा रहता है, वो लीजिएगा, उसके में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आता है, पहला तो वो
2-3% efficient ज़्यादा होता है, तो मतलब एक ही पैनल में आपको 10-12% एक्स्ट्रा वॉटेज मिल जाता है। दूसरा, वो लंबा चलता है और प्लस कि वो गर्मी में ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मान लीजिए आप ऐसा जगह पे जहाँ खूब धूप पड़ता है, खूब गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ये शायद आपको फ़ायदा कर जाए। वहाँ पे वो जो थोड़ा सा पैसा आप मतलब खर्च कीजिएगा ताकि मोनो पैनल ले सकें, वो आपको फ़ायदेमंद होगा। और मोनो पैनल का अगर आप डिटेल पढ़िएगा तो उसमें दो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पहला, वो टेम्परेचर बढ़ने से कम एनर्जी लूज़ करता है। दूसरा, जो खास करके इंपॉर्टेंट है, कि वो अगर लंबा टाइम हो जाता है, यानी कि 25 साल, वो 25 साल में सिर्फ 85% तक ड्रॉप करता है। अगर मल्टी क्रिस्टलिन देखिए, वो 25 साल में 80% तक ड्रॉप कर जाता है। समझ लीजिए कि अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं तो मोनोक्रिस्टलिन ज़्यादा चलता है पॉलीक्रिस्टलिन के। लेकिन प्लीज़ ध्यान से डिटेल पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बोल रहा हूँ कोई बहुत पुराना कंपनी है जो पुराना डिज़ाइन पे बनाया गया मोनोक्रिस्टलिन आपको बेच दे रहा है, पता चला आपका मल्टीक्रिस्टलिन अच्छा था। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि सोलर पैनल कौन बना रहा है, उस पैनल में जो सेल लग रहा है वो कौन बना रहा है, उसका पूरा डिटेल खोद के पढ़िए। और फिर वारंटी पे आपको तुरंत ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कितना परसेंटेज पे वो आपको वारंटी दे रहे हैं। कुछ कुछ कंपनी मतलब प्यार से लिखी रहती है कि नहीं, मतलब अगर 20 साल बाद आप आते हैं और आपका पैनल 50% दे रहा है तो वो वारंटी में नहीं कवर होगा, क्योंकि वो उनके हिसाब से सही है। लेकिन अच्छी कंपनी आपको बोले नहीं सर, अगर 80% से पावर आउटपुट आपका कम हो गया है तो हम आपका बदल देंगे। तो प्लीज़ इस सब बात पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पे एकदम पैसा बचाने का नहीं सोचना है। फिर हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। तो इन्वर्टर शांति से आपको ग्रिड टाई लगाना है, या बैटरी वटरी बैंक का तो सवाल ही नहीं है, शांति से आपको ग्रिड टाई लगाना है। ग्रिड टाई के बाद आपको कई बार एक शब्द सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर। इसका सीधा शांति से ये मतलब होता है खूब सारा लगाया जा सकता है, एक ही लाइन में, एक ही पावर प्लांट में आप खूब सारा लगा सकते हैं। फिर ये बात आपको हमेशा कहूँ, जैसे मान लीजिए 500 किलोवाट का प्लांट बना रहे, तो ऐसा आता है इन्वर्टर आता है जो 500 किलोवाट का है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा आपको लगाने, आपको हमेशा बोला जाएगा कि सर एक दो बैकअप रखिए। या अगर ऐसा रखते हैं कि ठीक है आप 6 मेगावाट का प्लांट बनाए हैं, आपको 6 मेगावाट का इन्वर्टर आ रहा है, तो हमेशा कहेगा कि एक सर और इन्वर्टर रख लीजिए, क्योंकि वो खराब हुआ नहीं होगा, कम चांसेस है, लेकिन अगर वो खराब हुआ तो आपके पास तो मतलब कुछ बैकअप नहीं, आपका पूरा फार्म बंद हो जा रहा है। इस कारण से जनरली लोग कहते हैं कि कभी भी एक मत रखिए, दो छोटे अच्छे रहते हैं, मतलब एक से बेटर है कि दो छोटा रहे। या मान लीजिए आपको बहुत सस्ते में मिल जा रहा है बहुत बड़ा, तब खरीद लीजिए, पैसा जो बचा उसको आप उसका मेंटेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद लीजिए। फिर हर अच्छे इन्वर्टर में MPPT होता है, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इसमें दो तीन चीज़ आजकल एडवांस हो गई। इसका खासियत यह है कि अगर अच्छे से किया गया तो आपके इन्वर्टर में बहुत सारा केबल होगा, मतलब वो शांति से सारा पैनल को एक जगह पर नहीं जुड़ता, प्लस माइनस में नहीं जुड़ता, एक स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी, स्ट्रिंग डी, ऐसे ऐसे करके रहता है। उससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए कुछ पैनल पर आपका छांव आ गया तो वो पैनल का वोल्टेज घटेगा, उसका पैनल का एम्पेयर घटेगा, ये मैनेज कर लेगा इन्वर्टर, समझ जाएगा नहीं भैया इससे पावर ज्यादा मत खींचो क्योंकि ये शॉर्ट करने पे है, वो शांति से बाकी सब से खींचेगा। तो उससे फायदा ये होता है कि कट ऑफ करने का, जहाँ पुराने इन्वर्टर्स कट ऑफ कर देते थे कि ठीक है भैया इसमें कम पावर आ रहा है इसको बंद कर दो, तो वो एनर्जी बर्बाद, एनर्जी अभी भी वो बना रहा है, मतलब 10 किलोवाट की जगह 6 किलोवाट बना रहा है, लेकिन वो आप 6 निकाल नहीं पाएगा, वोल्टेज कम हो गया। MPPT ये सबको अच्छे से निकाल पाता है, या वोल्टेज बढ़ गया, मान लीजिए बहुत तेज धूप आ रहा है, वोल्टेज बढ़ गया तो भी MPPT उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए MPPT के पीछे हम लोग भागते हैं। और आजकल तो बिना इसका क्या बोलते हैं, बिना ट्रांसफार्मर का इन्वर्टर आता है ये सब, खास करके ABB का जो है, बहुत सारा इन्वर्टर में तो ट्रांसफार्मर ही नहीं होता है, तो क्योंकि वो लोग का DC वोल्टेज बहुत हाई रहता है, मतलब 1000 वोल्ट का DC पे चलते हैं, तो उनको 220 वोल्ट आउटपुट देना है, तो उनको कोई स्टेप अप का जरूरत नहीं, उनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो इफिशियंसी पे जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको दो इन्वर्टर मिल रहा है, एक सस्ता है एक महंगा है, और दोनों एक ही कंपनी के, जैसे मान लीजिए एक ABB का, लेकिन एक पुराना मॉडल एक नया मॉडल है, एक बोल रहा है भैया हम 92% एफिशिएंसी है, एक बोल रहा है हम 93% एफिशिएंसी है, फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आपका प्लांट छोटा है, मान लीजिए 1 मेगावाट के अंदर है, तब उतना नहीं फर्क पड़ता, 10-20 मेगावाट में बहुत फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ये सब चीज़ का। फिर हम आते हैं सबस्टेशन। ठीक है, आपने बिजली बना ली, बेचेंगे कैसे? आप ये बात ध्यान रखिए कि इसका भी पैसा आप ही को देना है, सरकार नहीं देगी। और इस बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि अगर आप बहुत कम बनाए, जैसे 1 मेगावाट, तो आप जिस लाइन से बिजली खरीदते उसी लाइन से बेच सकते हैं, यानी कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपको रखना पड़ेगा। सारा इन्वर्टर है वो एक इसमें स्टार्टअप ट्रांसफार्मर में जाता है, वो ट्रांसफार्मर से आप भेज देते हैं, और बिजली को जनरली 11 kV में कर दिया जाएगा, यानी 11000 वोल्ट पे भेजा जाएगा। तो लेकिन अगर उससे ज़्यादा 1 मेगावाट से ऊपर जाने लगे, ये जनरली कोई हार्ड लाइन नहीं, मान लीजिए आपका सबस्टेशन बगले में था, मतलब जहाँ बना रहे बगल में था, तो गवर्नमेंट बोलेगी फालतू का सबस्टेशन मतलब बर्बादी होगा, शांति से कनेक्ट कर लीजिए। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके पास बगल में है लेकिन सबस्टेशन पुराना है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा नया लोड, तो आपको बोला जाएगा नहीं सर आप क्रिएट करो, और ये फिर आप पे हो जाता है कि कहाँ पे ये पैन मतलब फार्म है, कितना दूर है नियरेस्ट सबस्टेशन। तो आपको अगर किस्मत अच्छा रहा तो 11 kV
से काम चल जाएगा, खराब रहा तो आपको 135 केवी का सबस्टेशन लगाना पड़ेगा ताकि मतलब इस तरह का तिगड़म लगा के बेच सकें, और आपका बिल जो है वो यहाँ इससे जो भेजा जा रहा है उस पर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक में अगर आपका जो 3-5% का एनर्जी लॉस हुआ उस पर नहीं सरकार को कोई लेना देना है, उसको नहीं लेना देना कि आपने सोलर फार्म इतना बनाया, उसको लेना देना कि आप ग्रिड में कितना बेच पाए। तो इसीलिए इस पर भी आप पैसा नहीं बचा सकते। तो ये इसीलिए आपको अच्छे अच्छे कंपनी का आजकल तो बहुत छोटा छोटा कॉम्पैक्ट, जैसे ये ABB का एक कॉम्पैक्ट सबस्टेशन है, तो बहुत ज़मीन नहीं बर्बाद करेगा लेकिन आपको सबस्टेशन देना पड़ता है। जो खास करके इंडिया में 800 मेगावाट का प्लांट बन रहा है उनका सबस्टेशन से देख के कोल पावर प्लांट का सबस्टेशन छोटा लगने लग रहा है, इतना सारा बड़ा बड़ा सबस्टेशन है। और आप यही समझ लीजिए यही आपका सेल्स टर्मिनल है, यहीं से आपकी बिक्री हो रही है, तो इस पर तिगड़म करना अच्छा रहेगा। जनरली जो लोग विंड फार्म करते हैं या सोलर खूब करते हैं वो दो रखते हैं, वहाँ पे भी दो लोग रख देते हैं कि भैया, और वो ये क्या बोलते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो ऐसा रखते हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा उसका लोड ले पाए, तो आपका बंद नहीं होता, तो वो दूसरे फटाफट उसको रिपेयर करेंगे और लोड वापस बैलेंस कर लेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि सबस्टेशन में भी आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, खास करके अगर आप 10-12 मेगावाट से ऊपर जा रहे हैं तब ये सब बात पे आपको ध्यान देना होगा। फिर हम आते हैं मेंटेनेंस का। ये ऐसा नहीं है कि लगाए और भूल गए, जनरली कुछ नहीं होता, जनरली कभी कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास हमेशा कोई होना चाहिए मेंटेनेंस स्टाफ, खास करके अगर 10 मेगावाट तक अगर आप पहुंच गए तो। और क्लीन जो करना है रेगुलरली करना होता है, रोज़ रोज़ करना होता है, इसके लिए ये प्रैक्टिकल तो है नहीं कि आदमी इसको रोज़ रोज़ करे, तो यहाँ पे इस तरह के रोबोट्स आते हैं बहुत सारे जो शांति से अगर आपका पैनल है उसमें रेलिंग डाल दिया जाएगा ऊपर और नीचे, और उस पर ये रोबोट आराम से चल के साफ करता रहेगा। ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ है तो टेंशन नहीं लेना खरोंचेगा नहीं, और इसमें भी 2-3 तरह के आते हैं, कुछ कुछ मशीन्स आते हैं जिसमें पानी का आप लगा सकते हो, पानी का पंप लगा के तो वो पानी से धो देगा, कुछ कुछ होता है जो एकदम ड्राई रहता है, ड्राई ही जनरली लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं, पानी उतना है नहीं और मतलब फालतू का फजीयत नहीं होगा, तो ये सब करना। और कुछ कुछ अच्छे कंपनी जो है वैसे कहते हैं दिन भर ये नहीं चलेगा, सिर्फ रात को शांति से साफ कर देगा, रात को साफ कर देगा, ताकि मतलब एक बार भी इसका शेडो के चलते आपका पावर आउटपुट कम ना हो और आराम से आपका सारा काम हो जा रहा है। और डेली करने से फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप रुक जाते कि नहीं भैया हम देखेंगे, जब दिखने लगा पीला पीला दिखने लगा मेरा पैनल तब जाके हम झाड़ेंगे, तो तब तक बहुत बिजली बर्बाद हो चुका है आपका, ये सब उसको समझिए बर्बाद होने से पहले रोक लेता है। तो एक दिन में आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीना 3-4 महीने में ये सब बहुत पैसा बचाने लगता है। तो बड़े बड़े फार्म में तो अब तक इसका पूरा सेना लगाया हुआ है, मतलब 10-20 रखा हुआ है और बैकअप भी रखे रहते हैं कि कभी एक खराब हो तुरंत के लिए। तो रात रात को करते हैं, या कभी कभी अगर ये बहुत बड़ा फार्म है तो दिन में भी चला देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमेशा अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो स्टॉक रखिए, मतलब स्पेयर सोलर पैनल का, स्पेयर कनेक्टर्स का, कुछ ना कुछ उड़ता फुड़ता रहता ही है, इसीलिए बोला कि एक मेंटेनेंस स्टाफ होना ज़रूरी है। तो मैं टोटल एक आपको बात बताना चाहूँगा कि सोलर पैनल अगर आप घर में लगाते हैं तो उसमें बहुत जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप ये समझिए अगर आप बिजली बेचना चाहते हैं किसी को तो कोई आपसे उतने दाम में नहीं खरीदेगा जितने में आपको बेच रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको 8 रुपये में बेचा जा रहा है, मतलब आप 8 रुपये में खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप 8 रुपये में बेच सकते हो, आप 6 रुपये में बेच पाओगे। तो आप कितने में बेच पा रहे हो ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर स्टेट का अलग है, हर स्टेट मतलब आपको बहुत अजीब गरीब फजीयत हो जाता है, प्लस सबस्टेशन वाले बोलेंगे भैया मेरा मतलब आप मान लीजिए सबस्टेशन वाले भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए उससे, तो बहुत सारा फजीयत होता है। इसलिए लोकल लोगों से ही पूछिए, मतलब बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी जो कि काम करती है, उनसे पूछिए। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ क्या होना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं इससे, ताकि आपको कोई सीधा सीधा बुड़बक ना बनाते, आपको मतलब थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन दाम आप इंटरनेट पर देख के नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा कौन लोग हैं, बिजली विभाग में जाइए, बिजली केंद्र में जाइए, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए सर हम आपसे मतलब 4.5 रुपये में ही बिजली खरीदेंगे, तो उससे आपका फर्क पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है आपको रिकवर होने में। और ये समझ लीजिए कोई भी आपको बोल रहा है कि ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो थोड़ा सा ध्यान ले दीजिएगा, क्योंकि जनरली 5-15 साल तक लग जाता है। हाँ 5-15 साल तक लग जाता है, क्योंकि वो बिजली महंगे में मतलब सस्ते में खरीदी जाती है, और नहीं अगर आप सस्ते में बेचेगा तो कोई खरीदेगा क्यों, मतलब आप ये बात भी समझिए कि बिजली विभाग को भी तो अपना सबस्टेशन चलाना है, वो क्यों लेगा आपसे, मतलब कि अगर 8 रुपये मिलेगा तो उसको बेचना ज़्यादा रुपये में पड़ेगा। तो इस कारण समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि आपको लूटा जा रहा है, वो ज़रूरी है। कोल पावर प्लांट के साथ भी वही होता है कि वो लोग मान लीजिए आप 8 रुपये में खरीद रहे हो, कोल पावर प्लांट बेच रहा है 2 रुपये में या 3 रुपये में। तो इस कारण से ये समझिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आसान चीज़ नहीं है, टाइम लगता है। आपके पास ज़मीन है, आपका सब चीज़ है, तो क्या इस पर पैसा लगा देंगे और कल आ जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे आएगा। हाँ आपके पास, आपको चाहते हो कि मेरा पास 10 करोड़ बैंक में रखा हुआ है, मैं उसको उस पर सल्टा देना चाहता हूँ कि ठीक है भाई उस पर कर दो, ताकि गवर्नमेंट का भी बेनिफिट मिले, टैक्स क्रेडिट भी मिल जाए और आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जा रहा है, वो बंजर जमीन का यूज़ हो जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसको कभी भी ऐसा मत समझिए कि मैंने खरीदा, मैंने फार्म बनाया और खुश। घर में बहुत जल्दी फायदा होता है, 5-6 साल में, फार्म बनाने पे 15 साल तक लग जाता है। तो इसीलिए ये लंबा इन्वेस्टमेंट है, लंबा गेम है, पैसा बचा बचा के मत कीजिए, आप खुद ही सिर पिटते रहिएगा।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर फार्म का कॉस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो पे चल रहे ऐड्स को क्लिक कर दीजिए, मेरा काफ़ी भला होगा। और आप लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, दो बार दबा दीजिए। और मैं आपसे कहूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ। और आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने ये मेरा ये वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।